ऑल राइट, सो है गाइज, टुडे आई एम बैक अगेन विथ अ न्यू वीडियो। सो गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बढ़िया हो एंड आगे भी बढ़िया रहे। तो जैसे कि आ चुका हो एक नया फ्रेश वीडियो लेके, एंड इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि अपने फ़ोन के हाई एपिस को कैसे इनेबल कर सकते हैं। मतलब कि आप लो एंड डिवाइस यूज़ करते हो, काफ़ी लोग 1 एंड 2 एंड 3 GB रैम का फ़ोन यूज़ करते हैं एंड उनका हाई एपिस इनेबल नहीं है, जिनके कारण वो हाई एपिस नहीं इनेबल कर पाते। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप कैसे हाई एपिस इनेबल कर सकते हैं अपने लो एंड डिवाइस में। सो वीडियो को तक देखना एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। एंड जैसे कि आप सभी को पता है मेरा 2 GB रैम का फोन है, दिन में फिर भी हाई एपीएस को इनेबल कर लिया हो। सो आप सभी को बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। एंड आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है आप सभी के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से जरूर सेट कर लेना। एंड आप सभी का इससे आईडी बैन होने वाला है कि नहीं, तो आप सभी की आईडी नहीं बैन होगी, बट गरीना फ्री फायर ने ऑफिशियली बोल दिया है कि अगर आपकी आईडी बैन होती है तो 3 दिन के लिए बैन की जाएगी, देन आपको कॉन्फिग को यूज़ नहीं करना है। बस यही कहना था, अगर आपकी आईडी बैन होती है तो 3 दिन के लिए बैन की जाएगी और ये गरीना ही बैन करेगी, एंड 3 दिन के बाद आपकी आईडी चलने लगी है, देन आपको कॉन्फिग को यूज़ नहीं करना है। बस यही है सिंपल सा स्टेप। अब तब तक के लिए आप कॉन्फिग को यूज़ करें एंड खेलें, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड कैसे कॉन्फिग को सेट करना है, कैसे नहीं, सब बताऊंगा। एंड इस कॉन्फिग को यूज़ करने से आपका हाई एफपीएस इनेबल होगा, साथ ही साथ आपका पूरा लैग इशू भी फिक्स हो जाएगा। सो आप सभी को ZRC और एप्लीकेशन ढूंढ लेना है, डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, आपको ये वाली कॉन्फिग को डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ड्राइव की लिंक है। इसके लिए तो 1 लाइक एंड 1 सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट ही कर दो। देन आपको इस कॉन्फिग पे एक्सट्रैक्ट हियर कर देना है। एक्सट्रैक्ट हियर करते ही आपको एक और फाइल निकल जाएगी, देन आप इस पे टैप करोगे तो आपको गेम बंडल्स की फाइल निकल जाएगी। गेम बंडल्स पे आपको करना है कॉपी या कट, कुछ भी कर लेना। जैसे मैं कॉपी करूँगा एंड चले जाऊँगा डिवाइस के मेमोरी में एंड एंड्रॉइड में एंड डाटा के फोल्डर में एंड com.dts फाइल, एंड यहाँ पे आपको फाइल्स का फोल्डर दिखता है। देन आपको कॉन्टेक्ट कैच में जाना है, एच में जाना है, एंड यहाँ पे कंपलसरी दिख जाएगा आपको कंपलसरी एंड्रॉइड में, एंड आपको यहाँ पे करना है गेम को पेस्ट। गेम को जैसे आप इस फाइल को पेस्ट करोगे तो आपको इस तरह का निकल के आएगा, तो अप्लाई टू ऑल फाइल एंड रिप्लेस कर देना है। ये करने के बाद आपको फ़ोन को पावर ऑफ करके ऑन कर लेना है, आपकी कॉन्फिग सेट हो जाएगी एंड आपका आई होप हाई एफपीएस इनेबल हो जाएगा लो एंड डिवाइस में। तो फिर से मिलेंगे एक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।